व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बाइक्स फॉर लाइफ। आज की इस वीडियो में हम पल्सर 220 का रिस्टोरेशन करने वाले हैं। थंबनेल तो आपने देख ही लिया है, चलिए आगे की वीडियो देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल पे अगर नए हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी ज़रूर दबा देना। इससे क्या होगा कि मेरे आने वाली आगे की जो भी वीडियोज़ होगी उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलो देखते हैं। बाहर आ गए हैं अभी हम। पहले गाड़ी को पूरा कस्टम ग्रीन करवाया था, देखते हैं अभी कलर होने के बाद कैसी दिखती है। अच्छे से गाड़ी को देख लीजिए कैसी दिख रही है, फिर कलर होने के बाद कैसी दिखती है ये भी देख लेंगे। पेंट फेड हो गया है पूरा, इंजन का कलर भी रस्टिंग की वजह से निकल रहा है, कई जगह से कलर निकल भी चुका है। और ये फेयरिंग हमने अलग से लगवाया है, आगे का फेयरिंग टूट गया था पहले वाइज़र, तो इसलिए दूसरा वाइज़र लगवाया है। अभी निकलेंगे मेन शॉप के लिए, देखते हैं फिर आगे के वीडियो में आगे का काम। ठीक है, चलो बाय। हाय गाइस, कैसे हो? कल जब पेंट शॉप पे पहुंचा तब तो वीडियो निकाल नहीं पाया मैं, इसलिए डायरेक्ट आज आया हूँ। आज जो कंडीशन में देख आज की वीडियो दे रहा हूँ मैं। अभी जब मैं पहुंचा तो वाइज़र सब कुछ, टंकी, पैक काउल सब कुछ पुट्टी मार के हो चुका था, पुट्टी मार दिया है। और ये रेड वाला कुछ रेड ऑक्साइड है शायद, तो एक घसाई विसाई करके सब कुछ पेंटर ने कर दिया है। देखते हैं अभी, यहाँ पे टंकी रखी हुई है अपनी गाड़ी की, टैंक है पेट्रोल टैंक, इसको भी पुट्टी विट्टी करके लेवल कर दिया है। डेंट थे थोड़े टंकी पे, वो डेंट विंट सब ठीक कर दिया है। अभी ये सब टेपिंग विपिंग करके जो भी बाकी का काम है वो सब कर रहे हैं गाड़ी पे। अभी ये शाम का टाइम होने वाला है, अभी ये शाम तक इन्होंने प्राइमर मार दिया है वाइज़र पे, बहुत अच्छे से कोटिंग किया है प्राइमर की, ये देख लो। अभी ये वाइज़र निकल नहीं पाया, इसके बोल्ट्स में, स्क्रू में, सब में जंग लग चुका था, रस्टिंग हो गई थी, इसलिए खुल नहीं रहा था। तो इसलिए ऐसे ही हमने वो बोल दिया मारने के लिए, तो अभी पेंटर ने ऐसे ही मार दिया है। फिर भी अच्छा ही काम किया है, बहुत सही लग रहा है। ये सामने काम कर रहे हैं अभी दूसरा गाड़ी का, क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी, देख लो। सॉरी गाइस, आपको पूरी वीडियो नहीं दे पाया मैं, सारी अपडेट नहीं दिखा पाया क्योंकि कुछ प्रॉब्लम आ गई थी बीच में, मेरा फ़ोन में चार्ज भी नहीं था नाइट के टाइम पे, तो आगे की वीडियो में सब ले नहीं पाया। तो अभी इसलिए ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ, ये पूरा फाइनल आउटपुट है अपने गाड़ी का। और ये वही गाड़ी है, देख लो, पहचाने में भी नहीं आ रही है। अभी फुल्ली स्टॉक कर दिया है, अभी इसके पीछे मडगार्ड लगेगा, साइड इंडिकेटर्स लगेंगे, फिर जो नंबर प्लेट है वो टूट चुकी है, नंबर प्लेट भी नया आएगा। ये सब भी आपको अलग वीडियो में बना के मैं आपको बताऊँगा। अभी देख लो, ये इंजन पे भी कलर कर दिया है सब जगह पे। अभी फ़िलहाल गाड़ी गंदी हो चुकी है क्योंकि मैं कल रात को गाड़ी मैंने लेके आया बना के, उसके बाद कलर विलर फिटिंग विटिंग में थोड़ा टाइम लग गया इसलिए। तो अभी मैं बाकी का आगे का वीडियो में दिखा रहा हूँ आपको, ये देख लो सब कुछ अच्छे से। अभी गाड़ी फ़िलहाल गंदी है इसलिए शाइन नहीं कर रही है इतनी, बाद में से पॉलिश विलिश होगा तो एकदम चमकने लग जाएगी, क्योंकि कल जब उन्होंने मुझे दिया गाड़ी पेंट करके तब गाड़ी बहुत अच्छी लग रही थी। अभी रात को जब खड़ा कर दिया रात को लाके, तो पूरी धूल मिट्टी बैठ गई और गंदी हो गई गाड़ी। ये थोड़ा कार्बोरेटर में प्रॉब्लम चल रहा है, अभी ये स्क्रू फिटिंग के टाइम पे लगता है टाइट नहीं किया उन्होंने, तो ढीला हो गया है, तो गाड़ी बीच बीच में बंद हो रही है। अभी इसके बारे में भी आपको मैं सब आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ, देख लो। अभी फ़िलहाल यही है, ठीक है, कमेंट करके बताना कि कैसी लग रही है अभी गाड़ी। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, और कुछ भी काम हो या फिर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, पूछना हो, तो मुझसे कमेंट में आप पूछ सकते हो, ठीक है। देख लो अभी आगे बिफ़ोर आफ्टर का मैं आपको फ़ोटोज़ दिखाता हूँ कि पहले कैसी थी अभी कैसी हो गई है गाड़ी, आप देख लो अभी, ठीक है।